Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn about probiotics. आज की वीडियो में हम probiotics के बारे में पढ़ेंगे. Probiotics की definition पढ़ेंगे, advantages क्या होते हैं, characteristics, history, side effects and common type of probiotics. तो चलो बिना time waste करते हुए जल्दी से हम start करते हैं अपनी आज की वीडियो. Okay. इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं पहले आपको. माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन थ्रू फर्मेंटेशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम. हमारी बॉडी में जो माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली यहाँ पे बोला हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन में जो माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन कैसे कंप्लीट करते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू, क्लियर. और पैथोजेनिक बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, क्लियर. प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स इन डाइट कैन मॉडिफाई द कॉम्पोजिशन एंड सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोफ्लोरा. प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, इनका काम क्या होता है, डाइट के कॉम्पोजिशंस को मॉडिफाई करने का और साथ ही साथ माइक्रोफ्लोरा की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको भी मॉडिफाई करने का काम होता है. किसका, प्रोबायोटिक्स का और प्रीबायोटिक्स का. प्रोबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डायरिया, पोस्ट एंटीबायोटिक डायरिया एंड पाउचिटिस. प्रोबायोटिक्स डायरिया, जो बच्चों को डायरिया हो जाता है, साथ ही साथ पोस्ट एंटीबायोटिक डायरिया एंड पाउचिटिस के ट्रीटमेंट में भी प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव हैं. पाउचिटिस क्या होता है, पाउचिटीज जब सर्जरी होती है तो पाउच की लाइन में इन्फ्लेमेशन होना, उसे पाउचिटीज बोलते हैं, क्लियर. इतना समझ आ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है. चलो अब हम पढ़ते हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में. डेफिनेशन ऑफ प्रोबायोटिक्स, जो वर्ड प्रोबायोटिक है वो कहाँ, कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसमें प्रो का मतलब होता है प्रमोटिंग और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ. प्रोबायोटिक्स वो सब्सटेंसेस हैं या फिर वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है. क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया. प्रोबायोटिक्स वो गुड बैक्टीरिया हैं जो हमारी लाइफ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्लियर. प्रोबायोटिक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया. प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड ईस्ट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, जो हमारे बॉडी में नेचुरली रहते हैं, क्लियर. हम इनको स्पेशली ले नहीं रहे, ये हमारी बॉडी में नेचुरली पहले से क्या है, प्रेजेंट है. अब हिस्ट्री देखते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबायोटिक वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 20th सेंचुरी बाय नोबेल प्राइज विनर एली मैकनिकॉफ. प्रोबायोटिक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, एली मैकनिकॉफ ने. नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है और कब दिया था, 20th सेंचुरी में. तो हम बोल सकते हैं एली मैकनिकॉफ ने प्रोबायोटिक्स का फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया था 20th सेंचुरी में. In 1907, Mechnikov proposed that acid-producing bacteria in fermented milk products could prevent the falling in the large intestine and if consumed regularly, lead to longer and healthy life. 1907 में Mechnikov ने कहा था, acid-producing bacteria जो fermented milk products में present होते हैं, वो क्या करते हैं? फॉलिंग को प्रिवेंट करते हैं. फॉलिंग क्या होता है, अनवांटेड मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन होना, ठीक है. तो उन्होंने यही कहा था कि फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स में जो एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, फॉलिंग को प्रिवेंट करते हैं, अनवांटेड मटेरियल के एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करते हैं. और साथ ही साथ अगर रेगुलरली कंज्यूम करें हम, तो वो क्या करते हैं, हमारी लाइफ हेल्दी बनाते हैं और लॉन्गर करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, सॉरी, दिस इज एली मैकनिकॉफ. ओके. In 1930 in Japan, Minoru Shirota developed a fermented milk product called Yakult, probiotic yogurt like made by fermenting mixture of skimmed milk,
और विथ स्पेशल स्ट्रेन ऑफ विद स्पेशल स्ट्रेन ऑफ लैक्टोबैसिलस। 1930 में जापान में माइनोरु शिरोचा ने क्या किया था, एक फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट डेवलप किया था जिसका नाम था याकुल्ट। ठीक है, जिसको नाम उन्होंने दिया था याकुल्ट, जो किसके मिक्सचर से बना है, स्किम्ड मिल्क के मिक्सचर से, और साथ ही साथ एक स्पेशल स्ट्रेन यूज हुआ है उसमें लैक्टोबैसिलस का। लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। क्लियर। वेयर डू बेनिफिशियल प्रोबायोटिक लिव इन द बॉडी, हमारे बॉडी में बेनिफिशियल प्रोबायोटिक कहाँ पाए जाते हैं, गट में, माउथ में, वेजाइना में, यूरिनरी ट्रैक में, स्किन में और लंग्स में। ये सारे एरियाज हमारी बॉडी में ऐसे हैं जहाँ पे प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ डू प्रोबायोटिक वर्क्स, अब प्रोबायोटिक काम कैसे करते हैं, देखो, हेल्प योर बॉडी टू डाइजेस्ट फूड, बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्रिएट विटामिन्स, विटामिन्स क्रिएट करते हैं, कीप बैड बैक्टीरिया फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड मेकिंग यू सिक, बैड बैक्टीरिया को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देते। ठीक है, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो हमें सिक कर देंगे, हमें बीमार कर देंगे। तो प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ताकि बैड बैक्टीरिया आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। हेल्प सपोर्ट द सेल दैट लाइन योर गट टू प्रिवेंट बैड बैक्टीरिया दैट यू मे हैव कंज्यूम थ्रू फूड एंड ड्रिंक्स। हमारी जो गट की लाइनिंग होती है उसकी सेल्स को सपोर्ट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं बैड बैक्टीरिया को, जो हमने क्या किए थे, फूड और ड्रिंक्स के साथ कंज्यूम किए थे। ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब मेडिकेशंस, जो दवाइयाँ हम खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। क्लियर, वर्किंग समझ आई। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। अब सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, देखो, दो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन बी कंसीडर्ड एज प्रोबायोटिक्स। वैसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हम कंसीडर कर सकते हैं प्रोबायोटिक्स की तरह, बट देयर आर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया that are common probiotic found in stores, पर दो सबसे ज़्यादा specific bacteria हैं जो commonly मतलब मिल जाते हैं stores में, अगर हम जाए probiotic supplement लेने जाते हैं तो stores में ज़्यादातर मिल जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, lactobacillus और bifidobacterium। ये दोनों bacteria ही कैसे हैं, सबसे ज़्यादा common probiotic bacteria हैं। नेक्स्ट, प्रोबायोटिक आर ऑल्सो मेड अप ऑफ ईस्ट, प्रोबायोटिक्स जो हैं वो ईस्ट के भी बने हुए होते हैं, और सबसे कॉमन टाइप ऑफ ईस्ट जो प्रोबायोटिक में पाई जाती है वो कौन सी है, सैक्रोमाइसिस बोलार्डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रोबायोटिक्स, इफेक्टिव प्रोबायोटिक्स जो होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एबल टू सर्वाइव द पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, जो भी जितना भी हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का रूट है उसमें वो सर्वाइव कर लेते हैं अच्छे से। एबल टू अटैच इंटेस्टाइनल एपिथीलियम एंड कॉलोनाइज, हमारे इंटेस्टाइनल एपिथीलियल के साथ वो अटैच हो जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, फिर कॉलोनाइजेशन उनकी स्टार्ट होती है। एबल टू मेंटेन गुड वायबिलिटी, अच्छी वायबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। एबल टू यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स एंड सबस्ट्रेट इन नॉर्मल डाइट, हमारे जो नॉर्मल डाइट हम लेते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स और सबस्ट्रेट होते हैं उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नॉन पैथोजेनिक और नॉन टॉक्सिक होते हैं। कैपेबल ऑफ एग्जर्टिंग द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द होस्ट, होस्ट पे बेनिफिशियल इफेक्ट एग्जर्ट करने के लिए भी वो कैसे होते हैं, कैपेबल होते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी म्यूटेजेनिक और एंटी स्टिमुलेटरी होते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेजेस। अब प्रोबायोटिक्स के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड,
क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। प्रोबायोटिक्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो इंटेस्टाइन की पीएच को क्या करता है? लोअर करता है, कम करता है। इनहिबिटिंग बैक्टीरियल विलन्स सच एज क्लॉस्ट्रीडियम एंड क्लॉस्ट्रीडियम सेल्मोनीला सिगेला ई कोलाई एक्सेट्रा। और साथ ही साथ एक तो हमारी इंटेस्टाइन की पीएच को क्या करता है? कम करता है। और बैक्टीरियल विलन्स जो बैड बैक्टीरिया हैं जैसे कि कॉलिस्ट्रीडियम सेल्मोनीला शिगेला ई कोलाई, इनको प्रिवेंट भी करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है। डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ कार्सिनोजेनिक मेटाबॉलिटीज। कार्सिनोजेनिक मेटाबॉलिटीज के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। एड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम ड्यू टू इंक्रीज इंटेस्टाइनल मेटाबॉलिटीज। ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है, मतलब मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, स्पेशली कैल्शियम को। ठीक है। प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस एसिडोफिलिन एंड बैक्टीरियसिन एक्सेट्रा, हेल्प टू कंट्रोल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बहुत सारी रेंज में ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस जैसे कि एसिडोफिलिन एंड बैक्टीरियोसिन सॉरी बेसिट्रेसिन प्रोड्यूस करता है, जो किसमें हेल्प करते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, प्रोड्यूस विटामिन स्पेशली विटामिन बी एंड के। विटामिन भी प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली कौन कौन से? बी एंड के। एक्ट एज बैरियर टू प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम कॉलोनाइजिंग द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरिया कॉलोनाइज ना कर पाए उसके लिए वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? एज अ बैरियर की तरह भी एक्ट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज। बीटा डी ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं जो किसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं? लैक्टोज को। क्लियर? ओके। अब साइड इफेक्ट्स क्या है? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, एडवांटेजेस देख लिए, ठीक है, कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया देख लिया, कौन सा कॉमन टाइप ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। ठीक है। अब हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्लियर? अब वही देखेंगे हम कि प्रोबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। रेयर केसेस में क्या होता है? रेयर केसेस कॉज ब्लॉटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। बहुत रेयर केसेस में होता है क्या? ब्लॉटिंग हो जाना, डायरिया और एब्डोमिनल पेन। ठीक। इफ एन एक्सेस इन सॉरी दैट इज इन इफ इन एक्सेस कॉज इन्फेक्शन दैट रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। अगर ज़्यादा हो जाता है तो इन्फेक्शन कॉज करता है जिसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। पीपल हैविंग ऑन अंडरलाइंग डिसीज और कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम कॉज पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक स्किन रैश, फीवर, ब्लडी स्टूल्स एक्सेट्रा। जो लोग जैसे कि डायबिटीज, अंडरलाइंग डिसीज से गुजर रहे होते हैं जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज, उन लोगों को अगर वो लोग ये कंज्यूम कर लेते हैं तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि स्किन रैश, फीवर, ब्लडी स्टूल्स एक्सेट्रा। समटाइम्स इंटरैक्ट विद इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, सो पीपल टेकिंग सम ड्रग्स शुड अवॉइड इट। कई बार क्या होता है, ये इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स के साथ इंटरैक्ट करके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर देता है, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो जो पीपल ड्रग्स लेते हैं वो क्या करें? इन्हें अवॉइड करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। आपको समझ आ गया होगा प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साइड इफेक्ट्स कहाँ रहते हैं, ठीक है, उसकी हिस्ट्री किसने डिस्कवर किया था। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।